हर सक्सेसफुल आदमी का समय बड़ा कीमती है। किसी भी काम के आदमी के पास इतना समय नहीं कि आपको बैठकर सुने, समझे और सलाह दे सके। इसलिए अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए या सोचने का नया तरीका चाहिए, तो आपको एक्सपीरियंस, अच्छी किताबें और रेयरली अच्छे लोगों से ही मिलेगी। तो आइए जानते कि किताबों की डेली लाइफ में यूज करके कैसे आगे बढ़ेंगे। डिस्कस करेंगे रीडिंग हैबिट के ऊपर। बहुत सारे खूबियां हैं रीडिंग हैबिट के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग के ऊपर 5 शानदार पॉइंट। हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको हमारा थॉट्स पता चले। What does reading say about your personality? इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ें तो उसकी डायरेक्ट असर हमारा पर्सनालिटी के ऊपर पड़ता है। दुनिया में जिस व्यक्तियों को ड्रामा और रोमांटिक स्टोरी वाला नोवेल पढ़ने को अच्छा लगता, वो लोग दूसरों की भावनाओं को बहुत ही जल्द समझने में सक्षम होते हैं। जबकि जो लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बुक्स पढ़ते हैं, वो समाज में घटती ही घटनाओं को पॉजिटिवली दिखते हैं और बेहतरीन तरीके से सोशल बिहेवियर मेंटेन करते हुए इवेंट्स को हैंडल करने में सक्षम होते हैं। इसलिए ये स्टडी ने रिवील किया है कि हमारे रीडिंग ही हमारे पर्सनालिटी के बारे में कुछ कहता है। Does reading make you a better person? इसका मतलब, क्या आप रीडिंग करने से एक बेटर पर्सन बन सकते हैं? तो जवाब है हाँ, क्यों नहीं दोस्तों। हमें तो पहले से ही पता है कि जो व्यक्ति जितने नए नए बुक्स पढ़ेगा, उसको उतना ही नए वर्ड्स मिलेंगे। ये आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है दोस्तों। फिर भी माउंटिंग एविडेंस हमें सजेस्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति कथा साहित्य या परिकल्पना आधारित बुक्स पढ़े, तो उसके अंदर एक ऐसा अनुभूति जगता है कि उसके वजह से वो दूसरों को सहानुभूति दे सके। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो एक अच्छी बुक हमें एक बेहतर पर्सन बना सकता है। Can reading books change your life? तो आइए दोस्तों, अभी जानते हैं कि पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है। ये पॉइंट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किताबें ही है। वो किताबें ही आपकी नज़रिया को बदल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना दोस्तों, कोई सर्जन हमारे आई ऑपरेशन करके नज़र तो बदल सकता है, लेकिन नज़रिया नहीं दोस्तों। एक ये बुक्स ही है जो कि हमारे कोई भी चीज़ या इवेंट्स को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से दिखने से मदद करता, ताकि हम हमारे लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकें। ये डिसीजन करियर की हो या रिश्तेदारों की। तो ये सच है दोस्तों कि हमारा हर रोज पढ़ने का अभ्यास हमारा ज़िंदगी को बदल सकता है। How does reading improve our life? इसका मतलब ये है कि दोस्तों, हम रीडिंग करने से कैसे हमारे ज़िंदगी में या हमारे लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, जानना ज़रूरी है दोस्तों। एक स्टडी
में बताया गया है कि रीडिंग करने से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है और हमारा मूड भी थोड़ा बहुत अच्छा होता है। हाँ दोस्तों, जब हम पढ़ना शुरू कर देते तब हमारा माइंड ओरिड से एक शांत वातावरण को स्थानांतर हो जाता है, इसलिए हम डेली लाइफ में आने वाले दुख को ज़्यादा टूटे बिना शांति से हैंडल कर सकते हैं। 2009 में स्टडी के ऊपर हुई एक रिसर्च बताता है कि नियमित 6 मिनट्स पढ़ने से हमारा स्ट्रेस लेवल 68% तक कम हो जाता है, इसलिए हमें हर रोज पढ़ना चाहिए दोस्तों। What happens when you read every day? हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है कि अगर हम हर रोज पढ़ें तो इसका असर क्या होगा। तो बात यह है कि दोस्तों, रोजाना रीडिंग करना ये निश्चित करता है कि हम निरंतर प्रक्रिया में अंतर्निहित शक्ति और गुण को कलेक्ट कर रहे हैं और हमारा परिवर्तन के लिए नॉलेज बिल्ड हो रहा है हमारा अंदर। ये स्टडी कहता है कि हम रीडिंग और लर्निंग में जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही हमारा परफॉर्मेंस शानदार होगा और दुनिया की न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, करंट इवेंट के साथ खुद को जुड़ पाएंगे। तो इसलिए हमें पढ़ना है दोस्तों, जब पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो दिल से एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखने के लिए मेरा चैनल को फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, ज़रूर लाइक करिए एंड मोर अपडेट्स रहने के लिए हमारा चैनल सोम क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मेरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया दोस्तों।